हरदा जिले की, जहां सन्यासा में 31 दिसंबर को दो समाज के युवकों में मारपीट के मामले में राजपूत समाज का धरना जारी है। मामले में अब जाट समाज भी सामने आ गया है। जाट समाज ने पुलिस को निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि सन्यासा में राजपूत और जाट समाज के युवकों में मारपीट हुई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया था, लेकिन राजपूत समाज दूसरे पक्ष पर धारा बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। वहीं जाट समाज ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मामले में जांच कमेटी भी बनाई है। इसमें टिवरनी में अभी कुछ लोग धरना दे रहे हैं। आज यहाँ कुछ लोग ज्ञापन देने आए थे। दो आपस में दो जातियों के बीच झगड़ा हुआ था, इसमें विवेचना चल रही है और चूंकि ये विवादित इन्होंने बना दिया है, इसलिए हमने एक निष्पक्ष रूप से जांच कराने के लिए कमेटी का गठन किया है और वो कमेटी दोनों प्रकरणों की पृथक से जांच करेगी। खबर शिवपुरी से है, जहां कैकरेरा के बहगवा में जाटव समाज के लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों ने अपने साथ छुआछूत का आरोप तक लगाया। वहीं गांव के सरपंच का कहना है कि सभी आरोप निराधार हैं। ग्रामीणों को बहला फुसलाकर उनसे बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया गया है। दरअसल बहगवा में आयोजित भागवत कथा के भंडारे में जाटव समाज से पत्तल परसने और झूठी पत्तल उठाने का काम करवाया गया। ये काम ये व्यक्ति के कहने पर करवाया गया। मैं राम जी बोलेंगे, तो जोर से आप लोगों को नहीं बोलना है।